मन तो बहुत दुखी है। सब तो ज़्यादा तो निशा की मेहनत थी, उसका ज़्यादा मन दुखी है। और सारे गांव को पूरी आस थी, सारा गांव मैच देख रहा था, तो माले आ रही नहीं है। भारतीय स्टार पहलवान निशा दहिया के कंधे पर लगी चोट के कारण वो क्वार्टर फाइनल हार गई हैं, लेकिन उनके साहस के चर्चे हर तरफ हो रहे हैं। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में पानीपत की निशा दहिया ने कुश्ती में कमाल किया था। उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की रेसलर को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। हालांकि इसके बाद क्वार्टर फाइनल में उन्होंने शानदार खेल दिखाया। पहले राउंड में दक्षिण कोरिया की रेसलर से 8-1 से आगे थी। वो दूसरे राउंड में उनके हाथ में गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद उन्होंने रोते हुए मुकाबला पूरा किया। हालांकि वो ये मुकाबला हार गई, लेकिन उन्होंने दिल जरूर जीत लिया। मन तो बहुत दुखी है, सब तो ज़्यादा तो निशा की मेहनत थी, उसका ज़्यादा मन दुखी है। और सारे गांव को पूरी आस थी, सारा गांव मैच देख रहा था, तो माले आ रही नहीं है। जीत का जीत गई थी, पर चोट लग गई, उस नाम आ रही नहीं मैंने। आज उसका चोट लग गया, कल ना फिर जीतते ही बस। और बात हुई आपकी निशा से? हाँ, बात हुई थी। क्या कुछ बात हुई? सुबह कब फोन आया था? हाँ, सुबह 7:30 फ़ोन आया था, वहाँ के 3 बज रहे थे, तो उसका ज़्यादा पेन था, चोट ज़्यादा है उसका, तो हो जाएगी ठीक, टाइम तो लग गएगा। डॉक्टर ने कहा 5 महीने लगेंगे, सर्जरी होगी। उम्मीदें बरकरार रहेंगी? हाँ, उम्मीदें बरकरार रहेंगी। 5 महीने में फिर रिकवरी लेकर फिर मैट पाओगी। इतना कोशिश तो नहीं छोड़ दे, आज तो आगे है, अगले मैच में जीतेगी, 4 साल में फिर ओलंपिक आओगा। इतना तो तजर्बा है उसने, और जितना उस बहुत आसान था उस खाते कर कर के। मैच आप देख रहे थे कैसा? हाँ, मैच तो सारे देख रहे थे, सब खुश थे। पहला मैच तो थोड़ा टफ था, बराबर का, तभी एक रन लेकर, एक मतलब पॉइंट लेकर 6 बनाए उन्होंने, 6-4 का स्कोर था। और दूसरा तो एक तरफा था। दूसरा तो उसके 2 थे, इसके 8 थे, तो फिर चोट जब लगी। हाँ, चोट नहीं लगती तो जीत गई थी, जीती जाती थी। फिर सेमीफाइनल में जाना था, सेमीफाइनल में भी जीत जाना था उसने। माले उसका हमने उसकी कुश्ती देख कर गोल्ड की आस हो गई थी पूरी गांव में। हाँ, गांव की तो पूरी उम्मीद थी। जिस गांव में जिस आदमी ने कोई मतलब हिसाब नहीं है कुश्ती के खेल है कोई, वो भी सब मैच देख रहे थे। सब ने अपने बच्चा था, बच्चा ने बताया कि भाई उसका मैच आओगा, बड़े बुजुर्ग सब मैच देख रहे थे। वहीं निशा के खेल के बाद उनकी मां ने कहा कि चोट लगने से निशा दहिया मैच हार गई। निशा दहिया की मां बोली कि उनका मन बहुत दुखी है, लेकिन मेडल की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। निशा की मां ने बताया कि उनके हाथ में बहुत ज्यादा चोट है, ठीक होने में 5 महीने का समय लगेगा। निशा 5 महीने बाद फिर से मैट पर दिखाई देगी। निशा दहिया की मां ने कहा कि पहला मैच थोड़ा टफ था, लेकिन निशा दूसरा मैच एक तरफा जीतने की ओर बढ़ रही थी। निशा ओलंपिक की विदेशी कोच के साथ दिन रात मेहनत कर रही थी। ओलंपिक में जाने से पहले बोल कर गई थी कि इस बार पक्का मेडल जीत कर आऊंगी, और परिवार के लोगों को भी पूरी आस थी कि मेडल आएगा। मां ने कहा कि 2 दिन बाद बेटी का घर पहुंचने पर निशा दहिया का सम्मान करेंगे। सब मैच देख रहे थे, सब सारे गांव ने दुख होया। आपकी बार बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी निशा? हाँ, निशा मेहनत कर रही थी, विदेशी कोच के प्रशिक्षण में थी, उड़े बेंगलोर कराया करते। घर से जब गई तो क्या कुछ कहते गई, क्या कुछ बोला? हाँ, उसके कहा था कि मम्मी मेडल जरूर लेकर आऊंगी, और मेडल हमने पूरी आस थी, मेडल तो आना ही था। चलो, पता चला कि काफी जो है परिवार की तरफ से बहुत सपोर्ट उनको किया जाता था। हाँ, परिवार की तरफ तो था, उसके तो पैसे तो लेकर कोई दिक्कतें नहीं थी, कभी परेशानी आई है नहीं, हमने पैसे कुछ तो आने नहीं दी। पैसे की नहीं आने दी, पैसे हमारे उनसे ज़्यादा बच्चे हैं, उससे सारा पैसा उससे का है, हमें कुछ नहीं करना था। हमने पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा उसका मनोबल तो हमने कभी घटाया नहीं। अरे बीबी कहा चल कोई बात नहीं, हाँ फिर आओ अगले अगले ओलंपिक में आओगा, एक बच्चा जिद कर रहा है तो आवे है। कब कुछ बात हुई, कब तक घर पे आएंगे? परसों का आ जाएंगे, परसों। हाँ, ज़्यादा चोट है और दूसरे के भरोसे है, तो फिर अपने घर आ जाए,
दूसरे मैडम उठा बिठावा है, जो रूममेट है मैडम ज़्यादा चोट। इतने बड़े गेम में वो गई, बहुत बड़ी बात है गांव का। हाँ, जिले से एक या दो खिलाड़ी जाते हैं, हमारे जिले से दो खिलाड़ी गए हैं, इतना बड़ा जिला है, तो बिल्कुल उन्होंने वहाँ मैच भी जीता, सम्मानित करने की हकदार वो है, सम्मानित किया जाना चाहिए गाँव में उनको। वो तो देखते हैं समय कैसा आएगा सम्मानित का, तो अभी तो चोट बहुत ज़्यादा है, वो तो जिस समय आओगे फिर देख लेंगे। हाँ देखेंगे युवा के विचार है उसके। आपको बता दें कि भारत को मेडल की उम्मीद एथलेटिक्स में सबसे अधिक है। पेरिस ओलंपिक अपने बड़े पड़ाव पर पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक भारतीय खिलाड़ी ब्रोंज मेडल से आगे नहीं आ पाए हैं। लेकिन पानीपत की निशा दहिया ने कुश्ती में कमाल किया था, उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की रेसलर को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। हालांकि इसके बाद क्वार्टर फाइनल में उन्होंने शानदार खेल दिखाया, पहले राउंड में दक्षिण कोरिया के रेसलर से 8-1 से आगे थी और दूसरे राउंड में उनके हाथ में गंभीर चोट लग गई, जिसके बाद उन्होंने रोती हुई मुकाबला पूरा किया। हालांकि मुकाबला हार गई, लेकिन उन्होंने दिल जरूर जीत लिया। ऐतिहासिक पानीपत की धरती पर जन्म लेने वाली निशा दहिया महज 13 साल की उम्र से ही कुश्ती की ट्रेनिंग ले रही हैं। वो अपने परिवार में सबसे छोटी बेटी हैं। निशा ने अपने किसान पिता के सपने को पूरा करने के लिए कुश्ती के खेल को चुना था। तो ऐसे में आप निशा दहिया के साहस को लेकर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।